दोस्तों सब्सक्राइब करो सेवन स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिनकी वजह से दोस्तों आप अगर कभी भी अपना तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल दोस्तों आपका रिजर्वेशन टिकट होता है वो आप बुक नहीं कर पाते हैं और कुछ इस टाइप के दोस्तों सर्वर एरर या फिर टाइम आउट या फिर एरर, बहुत सारे एरर होते हैं दोस्तों तो वो आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों और इनसे आप कैसे बचे और गारंटीड 100% आपका टिकट बुक हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपके थोड़ी भी काम आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहली बात, आपका ये टाइप के एरर्स आते क्यों है या फिर आप बुक क्यों नहीं कर पाते दोस्तों। तो दोस्तों सबसे कॉमन मिस्टेक एक तो ये होती है कि आपका जो होता है दोस्तों नेटवर्क वो स्लो होता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आप जहां से भी बुक कर रहे हैं वो आपका नेट तेज हो। अगर आप फोन से बुक कर रहे हैं तो आप अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में रहें ताकि दोस्तों आपका जो नेट की स्पीड है वो स्लो ना हो, तो ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। फिर अगर क्योंकि फास्ट नेट इसमें बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसका सर्वर वैसे ही काफी स्लो होता है और बड़ी जल्दी हैंग हो जाता है इसका सर्वर। और तो दूसरी दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है वो ये करते हैं बहुत से लोग दोस्तों कि इसको जो आप बैक बटन देख रहे हैं बैक कर देते हैं या फिर ज्यादातर साइट पे स्क्रॉल कर घूमते रहते हैं, कभी होम पे चले गए कभी फिर से ट्रेन सर्च मार रहे हैं। तो दोस्तों आप ये सारे काम आपको पहले करके रखने हैं। अब जब आपकी बुकिंग का समय आ जाता है तब आप ना तो बैक करिए ना फालतू में साइट पे मत घूमिए, डायरेक्ट सिर्फ अपने मेन टॉपिक ट्रेन सर्च मारी और जिसको बुक करना है उसको ये सब आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए दोस्तों। एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लीजिए कि आपको कहाँ कौन सी ट्रेन में कौन सा टिकट बुक कराना है दोस्तों, और ये सब चीजें आप पहले से सेट करके लिख के रख लीजिए ताकि आप बुक करते समय ये सब अगर काम करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और अगर आप बैक वगैरह करेंगे या फिर ज्यादा साइट पे घूमेंगे तो वो आपका टाइम आउट हो जाएगा या फिर ट्राई आफ्टर सम टाइम सॉरी ऐसे टाइप के एरर्स आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो दोस्तों उसका सर्वर इस समय बहुत ज्यादा लोड होता है, साइट पे बहुत ज्यादा लोग आ चुके होते हैं तो वो जो ज्यादा देर से हैं तो उनको वो हटा देता है ताकि सर्वर थोड़ा तेज काम कर सके, भीड़ कम हो जाए। और दोस्तों तीसरी चीज है वो ये है कि लोग दोस्तों नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं या फिर दोस्तों दूसरे बैंक वगैरह चूज करने लगते हैं। तो मैं कहता हूं अगर दोस्तों आपको बुक करना है तो आप फास्ट जो दोस्तों होता है जैसे कि तेज ऐप हो गया या फिर फ्री चार्ज या पेटीएम वगैरह हो गए, तो इन दोस्तों किसी भी वॉलेट का यूज कीजिए, पहले से ही देख लीजिए कि आपका कितना फेयर होने वाला है और वो फेयर आप उसमें डाल लीजिए, आपका फालतू कोई पैसा भी नहीं कटेगा। और दोस्तों आप आराम से मतलब इसमें आपको कोई पासवर्ड ओटीपी का ज्यादा चक्कर होता नहीं है, तो आप बड़े ही आराम से आपने सिर्फ लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला और आराम से पेमेंट हो जाती है दोस्तों, तो इससे आपका फास्ट टिकट बुक होगा। और ये क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी नेट बैंकिंग में जाएंगे उसमें आप पहले लॉगिन पासवर्ड डालेंगे फिर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे फिर ओटीपी आएगा, और सेम यही प्रोसीजर दोस्तों अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड नेम वगैरह एक्सपायरी डेट सीवीसी ये सब नंबर लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, उसके बाद भी ओटीपी आता है तो इसमें आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है दोस्तों। और अगर बाय चांस आपके मोबाइल में नेटवर्क ना हो या फिर आप मोबाइल से ही बुक कर रहे हैं फिर ओटीपी का वो बड़ा ही झमेला हो जाता है, तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ना करें और किसी वॉलेट वगैरह का यूज करें दोस्तों, तेज ऐप हो गया यूपीआई और इन सब चीजों का, इसमें दोस्तों चुटकी बजाते ही पेमेंट हो जाती है, तो ऐसे करेंगे तो आपका काफी जल्दी बुक हो जाएगा। और दोस्तों चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये होती है कि जब आपका जैसे कि दोस्तों अगर नॉर्मल टिकट की जो 8 बजे बुकिंग शुरू होती है किसी भी फर्स्ट डे की, जैसे कि सपोज आपको दिवाली की बुकिंग करनी है तो आप 4 महीने पहले बैठ के उसको बुक करेंगे ना दिवाली की डेट से पहले, तो आज सपोज दिवाली की डेट वाला टिकट आज खुला है तो आप उसको सुबह 8 बजे से पहले ही आप साइट पे घूम रहे हैं अपने लॉग इन कर रखा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब दोस्तों 7:59 होते हैं तब आपको लॉग इन करना शुरू करना है, तो ये काफी अच्छा समय होता है लॉग इन करने के लिए क्योंकि इससे पहले जो होते हैं तो उनको कई बार सर्वर दोस्तों साइट से हटा देता है, उनका टाइम आउट हो जाता है सर्वर एरर आ जाता है, तो इस टाइप की मिस्टेक्स हो जाती हैं। और अगर 11 बजे जैसे कि तत्काल होता है स्लीपर का या फिर 10 बजे एसी का तो आपको वो 1 मिनट पहले दोस्तों लॉग इन करना शुरू करना और 1 मिनट पहले लॉग इन कर लेना है के बाद आप बुक करेंगे तो आपका बड़े आराम से बुक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप फ्रेश अभी नए आए हैं साइट पे। और दूसरी चीज नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए, जो इंटरनेट की स्पीड है दोस्तों वो अच्छी खासी होनी चाहिए, चाहे फिर वो आपका 4G हो या फिर आप अगर वैसे नॉर्मल स्पीड से कर रहे हैं तो कम से कम आपका 1-2 Mbps होना चाहिए दोस्तों, और वो 1-2 Mbps आ रहा हो आपके, तो आप
100% बुक कर पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो में अगर दोस्तों कोई भी चीज रह जाती है या आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ और भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई करके जरूर बताऊंगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर ये थोड़ी भी काम आई है आपकी, और साथ ही में शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी टिकट वगैरह बुक करते हैं दोस्तों, ताकि वो भी इस चीज को जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए, ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।